नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। आज बात कर्ज पर कर्ज। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने की तैयारी में है और इस बार का कर्ज तो सबसे भारी है। एमपी में मोहन सरकार 88,540 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज अब तक का सबसे बड़ा कर्ज बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वित्तीय सुधार और योजनाओं के लिए लोन सरकार दे रही है तो कांग्रेस हमलावर है। आरोप है कि कर्ज पर कर्ज लेकर प्रदेश की हालत बद से बदतर हो गई है। प्रदेश के हर शख्स पर 55 से 60 हजार रुपए का कर्ज है। ऐसे में कर्ज लेकर सरकार ये बोझ और बढ़ाने वाली है। कर्ज का भार एक बार फिर। कर्ज पर सवाल, विपक्ष क्यों लाल? किसानों को गेहूं खरीदी का हो चाहे लाडली बहना का हो, और सरकार जिस प्रकार से कर्ज ले रही है तो आय के स्रोत तो बढ़ा नहीं रही है। उससे जमीनें बेच के, सरकारी जमीनें बेच के आय का स्रोत बना रखा। चाहती है कि हम मंत्रियों के बंगलों के रिनोवेशन कराएं, हम मंत्रियों को नए नए वाहन खरीदवाएं। कुल मिला के मध्य प्रदेश की सरकार अब उधार लेकर घी पीने का काम कर रही है। घटती आमदनी, बढ़ता कर्ज का बोझ। कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान तो भ्रष्टाचार करने के लिए कर्जा लिया जाता था, कमीशन खोरी के लिए कर्जा लिया जाता था। अब की बार सबसे बड़ा भार। मध्य प्रदेश सरकार इस बार 88,540 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी में है, जिसको लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। सियासत से दूर अगर बात कर्ज की करें तो प्रदेश के लोगों पर ये बोझ साल दर साल बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल जरूर उठता है, आखिर कब तक कर्ज का सहारा। आज इसी पर करेंगे मध्य प्रदेश की महाडिबेट में चर्चा। प्रदेश में कर्ज पर सियासत गर्माई हुई है, कांग्रेस पूरी तरह से अटैकिंग मोड में है। महाडिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले महाडिबेट के सवाल क्या है उन्हें देख लेते हैं। पहला सवाल रहेगा महाडिबेट का, कर्ज पर कर्ज आखिर कब तक ऐसा होगा। दूसरा सवाल रहेगा, लोन से क्या बदलेगी जो वित्त स्थिति है प्रदेश की। और तीसरा और आखिर सवाल रहेगा, प्रदेश पर बढ़ता बोझ आखिरकार कैसे कम होगा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, चर्चा की शुरुआत मेहमानों के साथ करेंगे। पहले परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अब्बास हफीज, बीजेपी के विधायक हैं आशीष शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं संदीप पैरानिक जी, और जयंती लाल भंडारी जी हैं आर्थिक मामलों के जानकार हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल जयंती लाल भंडारी जी, मैं आपसे ही करती हूँ कि आर्थिक विषय है आज की बहस का, जो प्रदेश की वित्तीय हालत है मौजूदा और उसमें सरकार का ये कर्ज लेने वाला कदम, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या सरकार के खजाने की सेहत के लिए वो अच्छा कदम है या नहीं? यकीनन इन दिनों में जब मध्य प्रदेश के लोग नए बजट 2024-25 की तरफ देख रहे हैं, जो कि 3 जुलाई को प्रस्तुत होना है, उस समय में एक मध्य प्रदेश सरकार का जो निर्णय है कि 88,540 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाए, वास्तव में ये एक ऐसा विषय है जिस पर भारी विचार विमर्श पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। यदि हम ये देखें कि ये कर्ज क्यों लिया जा रहा है और इस कर्ज को किस तरह से लौटाया जाएगा और ये क्या वास्तव में वित्तीय समायोजन के अनुरूप है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। पहली बात, 88,540 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो प्रदेश के इतिहास में पहला सबसे बड़ा कर्ज है और पिछले साल की तुलना में ये करीब 1.5 गुना कर्ज है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो कर्ज है वो
वित्तीय समायोजन के हिसाब से और वित्तीय मापदंडों के हिसाब से किसी भी प्रदेश के अंदर जितनी जीडीपी होती है, राज्य की जितनी जीडीपी होती है, उसका 3.5% तक कर्ज लिया जा सकता है, उसे अनुचित कर्ज नहीं माना जाता। मध्य प्रदेश की जीडीपी है इस समय 13,22,000 करोड़ रुपए। इस हिसाब से ये जो कर्ज है वो सीमा के अंदर ही माना जाएगा। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस कर्ज में से एक बड़ा भाग जो फ्री बीज योजनाएं हैं, लोक लुभावन योजनाएं हैं, उनके लिए भी जाएगा। तो ये यदि कर्ज विकास तक सीमित रहेगा, ज़्यादातर इसका उपयोग विकास के लिए होगा, तो ये उपयुक्त कर्ज होगा। और जितने भी देश हैं, विकसित देश हैं, उनके जितने प्रदेश हैं, वे भी अपने विकास के लिए अपनी जीडीपी के 3.5 से 4% तक कर्ज लेते हुए दिखाई देते हैं। तो सारा प्रश्न ये है कि इसका उपयोग कहीं विकास के मापदंडों पर होगा तो यह ज़्यादा उपयुक्त होगा। ठीक है संदीप जी, अब मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि उसके बाद तो सियासी वार पलटवार शुरू हो ही जाएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस हमलावर है, जाहिर तौर पर जब चुनाव होते हैं तो फ्रीबीज का जो प्रलोभन होता है वो तो हर पार्टी की ओर से दिया जाता है, जनता को रिझाने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए। लेकिन जब सरकार बनती है किसी पार्टी की तो उसके पास सरकार को ही बैलेंस करना होता है कि खर्चे कैसे होंगे, रेवेन्यू कैसे मेंटेन किया जाएगा। तो अब जो ये हमला हो रहा है, ये सिर्फ सियासी हमला है या वाकई प्रदेश की सेहत, आर्थिक सेहत की चिंता है? किस तरह से आप सरकार के इस कदम को और विपक्ष के हमले को देख रहे हैं? देखिए प्रणय जी, जयंती जी ने, भंडारी साहब ने सारी चीज स्पष्ट कर दी कि कर्ज क्या सीमाओं को तोड़कर लिया जा रहा है, सीमा के अंदर लिया जा रहा है, तो वो स्थिति स्पष्ट उन्होंने कर दी, तो बात सही है, ठीक है। लेकिन मूल मुद्दा ये आ रहा है कि मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति कर्जदार होता जा रहा है, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि चुनाव के समय राजनीतिक दल अपनी बात कहते हैं, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे सत्ता में आई बीजेपी, दोनों ने ही मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के वादे किए थे। चाहे कांग्रेस आती सत्ता में या बीजेपी है, वो कर्ज लेती तभी उन वादों को पूरा कर सकती थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है प्रणा जी कि राज्य में आय के स्रोत आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं, आप लगातार फ्री की रेवड़ियां बढ़ाते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं, और वो आदमी जो टैक्स पेयर है आपका, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? क्या विकास पे खर्च हो रहा है? वास्तविकता यह है कि जब आप सत्ता में होते हैं तब आपका चश्मा दूसरा होता है, और जब आप सत्ता से बाहर होते हैं तो उन्हीं चीज़ों को गलत ठहराने लगते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर इस पैसे का उपयोग प्रदेश के विकास में, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा के लिए, प्रदेश की शिक्षा के लिए, प्रदेश के औद्योगिकीकरण के लिए खर्च होगा तो बेहतर होगा। लेकिन अगर यह पैसा कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च होगा, विकास पर खर्च नहीं होगा, फ्री की रेवड़ियां बांटने पर खर्च होगा, तो यह दुखदाई है और वाकई में चिंता का विषय भी है। मेरा अपना यह मानना है कि अगर कांग्रेस इस कर्ज का विरोध करती है तो उसे यह सुझाव भी देना चाहिए कि आखिर अपनी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, कर्ज का बोझ कम हो, इसके रास्ते सुझाए जाएं, तो मुझे लगता है कि सकारात्मक राजनीति होगी। नहीं तो राजनीतिक बयानबाजी के लिए तो आपके पास खुला मैदान है, खुला आकाश है, आप पुराण भरिए, खूब आरोप लगाइए, जुमलेबाजी करिए और आगे बढ़ते जाइए। जी ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब्बास जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, बतौर विपक्ष क्या एतराज है आपको, कहाँ कंसर्न है यहाँ बताइए, उसके बाद मैं पूरे जवाब, सभी के जवाब आशीष जी से लूंगी। देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ कही गई कि बतौर विपक्ष हमें राय देनी चाहिए कि कहाँ गलती है, कहाँ क्या सुधार करना है। कमलनाथ जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हम सब ने बड़े करीब से उनको देखा, के काम को देखा। पहली बार पिछले 2 दशक में किसी मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी कि मध्य प्रदेश को अल्टरनेट रेवेन्यू जनरेशन की तरफ हम ले जाने का प्रयासरत हैं और लेके जाएंगे। आज तक शिवराज जी की सरकार रही, उमा भारती जी की सरकार रही, स्वर्गीय गौर जी की सरकार रही, तीनों ने नहीं कहा कि मध्य प्रदेश को किसी अल्टरनेट रेवेन्यू जनरेशन की जरूरत है। हमारे पास जब भी मुसीबत आती है, खजाने खाली होते हैं, बीजेपी की सरकार 2 तरह के कदम उठाती है। एक होता है आबकारी पे टैक्स बढ़ाया जाता है, दूसरा होता है कर्जा ले लिया जाता है, इसके बाद तीसरा कुछ नहीं है। हमारे पास टूरिज्म के लिए भरपूर जो है संभावनाएं हैं, लेकिन कहीं ले जाया नहीं गया। कमलनाथ जी की सरकार में हमने प्रयास किया था कि टूरिज्म के नक्शे के ऊपर मध्य प्रदेश में खूब सारे सैलानी आए, खूब सारी आमदनी बढ़े, मध्य प्रदेश में निवेशक आए,
जो भरोसे से आते हैं, बहुत सारे निवेश करार आज तक हुए हैं, कितने सारे आपने वो किए, जितने आयोजन बनाए उसमें कहाँ क्या हुआ, कितने करार हुए, कोई निवेश नहीं आया, निवेश के नाम पे जीरो है। आप टूरिज्म के दाम पे बढ़ावा नहीं दे पाए तो कैसे आमदनी बढ़ेगी? इसका नुकसान सब पे हो रहा है, इसका नुकसान अतिरिक्त टैक्स बढ़ने से होता है। ये कर्जा लेंगे, टैक्स बढ़ेगा पेट्रोल डीजल पे, टैक्स बढ़ेगा तमाम चीजों के ऊपर, अतिरिक्त टैक्स लगाए जाएंगे और उसका भार आप पे, हम सब पे आएगा, जो इस वक्त दर्शक दिख रहा है उन सब पे आएगा, उनकी आमदनी घटेगी। तो ये चिंता का विषय है, राजनीति करने की बात नहीं है। बॉन्ड बाजार ने आपको, मध्य प्रदेश की सरकार को कर्ज देने से मना कर दिया, 7% पर नहीं देंगे, हायर इंटरेस्ट रेट्स हैं, आप इतना कर्जा ले चुके हैं, पिछली बार तो शुद्ध सीमा जो थी वो जिस जो कहते हैं उसको केंद्र सरकार जो कर्जा लिया जाता है उस पर रोक लगाई गई थी कि दोबारा तय करेंगे, कर्जा देने के लिए एक समय रोका गया था। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं और इससे आम आदमी अपनी महंगाई की मार के नीचे दबा जा रहा है। जी ठीक है आशीष शर्मा जी, प्रदेश का तो शायद जो आम नागरिक है वो जानता ही नहीं होगा कि उसके जो व्यक्तिगत कर्जे हैं उसके अलावा उसके ऊपर एक और कर्ज चल रहा है 55 से 60 हजार, और यह अब आगे बढ़ भी सकता है जो नया कर्ज आपकी सरकार लेने जा रही है। ये आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बेहतरी के लिए, लेकिन कर्ज का समाधान क्या कर्ज ही है? देखिए, मध्य प्रदेश हमारा बहुत समृद्ध प्रदेश है, हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कर्जे लिए हैं। अभी अब्बास हफीज जी बोल रहे थे, उन्होंने कई सारे मुख्यमंत्रियों का उल्लेख किया लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार जब मध्य प्रदेश में थी कितनी बड़ी संख्या में दैनिक वेतन भोगियों को बाहर किया गया था, कितने महीनों तक कई विभागों की तनख्वाहें नहीं बढ़ती थी, राज्य परिवहन निगम से लेकर कई सारे उपक्रम उनके समय बंद हुए। मध्य प्रदेश की सरकार अपनी जो सही सीमा है उसकी कर्ज लेने की, उसके अंदर ही कर्ज ले रही है। दूसरी बात, हम जनता के विकास के लिए कर्ज ले रहे हैं, जनता के विकास की योजनाएं चलती रहें। हमने चुनाव में जो वादे जनता के साथ किए हैं उनसे मुकर नहीं रहे हैं, उनसे पीछे नहीं हट रहे हैं, उन वादों को पूरा कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार जितनी भी योजनाएं चला रही है, चाहे लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा भी अब चूंकि 2007 से ये योजना चालू है इसलिए 18 वर्ष पूर्ण होने पर अब बेटियों को एक मुश्त राशि के रूप में मिलने लगेगा, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, गौशालाओं में प्रति पशु का हमने पैसा बढ़ाया है और विभिन्न सारी योजनाओं को हम लगातार जारी रखे हुए हैं। और इसके कारण जनता का विश्वास हमारी सरकार पर, हमारी पार्टी पर न सिर्फ बरकरार रहा है बल्कि एक अच्छी आर्थिक प्रबंधन भी हमने इस प्रदेश को दिया है। कभी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ, हमारे वित्त मंत्री जी बहुत कुशल हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री जी सभी चीजों पर ध्यान लगातार रखे हुए हैं। प्रशासनिक कसावट मध्य प्रदेश में स्थापित की जा रही है और टूरिज्म हो या अन्य कोई माध्यम हो, जहां से भी आय के स्रोत और बढ़ सकते हैं उस पर भी सरकार काम कर रही है। लेकिन जनता के जो विकास की योजनाएं हैं उनको बंद करके हम प्रदेश चलाना नहीं चाहते। हम सबको जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है उन्हें अनवरत चालू रखना चाहते हैं और इन योजनाओं के कारण ही ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि डलती है, मध्य प्रदेश के 88 लाख से अधिक किसानों के खाते में, आर्थिक स्थिति तो समृद्ध नहीं, 6000 केंद्र सरकार, 6000 राज्य सरकार, नहीं, तो इसके कारण ही मध्य प्रदेश के बाजारों में रौनक होती है। आशीष जी ये बताएं कि योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप इस बात कर रहे हैं इस पैसे की, लेकिन खर्चे आप कहाँ कम कर रहे हैं? सदुपयोग की बात जो हो रही है ठीक है, फ्रीबीज को क्योंकि वो वादा रहता है सियासी दलों का तो वो तो पूरा करना ही होगा आपको, नहीं तो उसकी खामियाजा, उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन कैसे, कब तक कर्ज पर कर्ज, कर्ज पर कर्ज लेते रहेंगे? देखिए मैं ऐसा मानता हूं कोई भी सरकार कर्ज लेना नहीं चाहती, अपना वित्तीय प्रबंधन अच्छा ही रखती है और मध्य प्रदेश का प्रबंधन भी बहुत अच्छा है। हमारी आर्थिक विकास दर जो है वो भी बहुत अच्छी है, कृषि आधारित हमारी विकास दर जो है वो पूरे भारत में सर्वाधिक है। और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं उसके कारण भी आम जन में एक संतुष्टि का भाव है। हम कर्ज ले रहे हैं गरीबों के कल्याण की, किसान के कल्याण की योजनाओं के लिए और निर्धारित समय सीमा में इन कर्जों की अदायगी भी हम कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश की साख खराब हुई है कि कोई हमें कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सरकार यदि जनता के विकास के लिए, विकास योजनाओं के लिए कर्ज लेती है
तो मैं इसे बुरा नहीं मानता हूं, हमारा वित्तीय प्रबंधन ठीक है और इसी की बदौलत मध्य प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मैं आर्थिक कमजोरी के कारण कहीं मध्य प्रदेश का विकास प्रभावित नहीं होगा। हृष्ट पृष्ट रखना है प्रदेश की जनता को, तो इसलिए आप लोग कर्ज ले रहे हैं, ये आप कर्ज की कड़वी दवाई ले रहे हैं। ठीक है, अब्बास आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, तो शायद अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं एक बात तो यह है, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने जो विकास की बातें करी, सबसे महंगी रजिस्ट्री हमारे प्रदेश में है, पूरे देश भर के अंदर 11% आप एक रजिस्ट्री पे लेते हैं, रेवेन्यू बढ़ाते बढ़ाते आपने स्टैंप ड्यूटी यहाँ पे लाके रख दी है सिर्फ आपकी नाकामी की वजह से। दूसरी बात, क्या आपने प्रयास किए, हमारे आशीष भाई बैठे हैं इनके क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में, संभावना इतनी है टूरिज्म की, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है, उन्होंने प्रयास किए लेकिन क्या प्रदेश की सरकार का साथ इनको मिला, जंगल इनके क्षेत्र में है, इनकी पूरी बेल्ट अगर आप चले जाएं तो आगे तक वहां पूरा टूरिज्म हो सकता है। धरातल पे क्या हुआ है, धरातल पे कुछ नहीं है, 51,000 रुपया ब्याज प्रति घंटा मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये बहुत गंभीर विषय हो चुके हैं आज। ठीक है जयंतीलाल भंडारी जी, अब वापस से आते हैं फ्रीबीज पर, क्योंकि इसको लेकर बहुत चर्चा होती है, बहुत गहन विश्लेषण होता है, लेकिन अब ये एक ऐसा दौर है सियासत का कि मजबूरी भी बन चुका है। एक मंच पर आकर तो बीजेपी ने इसकी बुराई भी की थी, इसके जो प्रोज एंड कॉन्स बताए भी थे, लेकिन उसके बाद भी ये सियासी दवा सबकी बन गया है। लेकिन क्योंकि आप आर्थिक मामलों के जानकार हैं, विकासशील हमारा देश है, तो ऐसे में इस तरह की डेवलपिंग इकोनॉमी के लिहाज से किस तरह फ्रीबीज की योजनाओं को देखते हैं, ऐलान को देखते हैं, और फिर वापस आते हैं हम इस कर्ज पर। निश्चित रूप से ये जो फ्रीबीज योजनाएं हैं, लोक लुभावन योजनाएं हैं, वे किसी भी बहुत विकसित देश में उपयुक्त नहीं मानी जाती हैं। और जब हम हमारे देश की तरफ देखें, प्रदेशों की तरफ देखें, तो मध्य प्रदेश में यदि ये योजनाएं लागू हैं तो ये एक अनिवार्य राजनीतिक बुराई हम कह सकते हैं कि चुनाव यदि हमें जीतना है, और अन्य प्रदेशों में भी जिस तरह से चुनाव जीते जा रहे हैं, और फ्री बीज की जो शुरुआत हुई है वो तमिलनाडु से शुरुआत हुई है और लगातार ये प्रदेशों में बढ़ती गई है, तो निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक बुराई है। और सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने डिसीजंस में कह चुका है कि इन सबको रोका जाना ज़रूरी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये नहीं रुक रही हैं। तो अब खास तौर से मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम ये देखें कि जो 3 जुलाई को जो बजट आना है उसमें नई फ्रीबीज योजनाएं नहीं हों, ऐसी लोक लुभावन योजनाएं नहीं हों जिससे ये कर्ज और बढ़े। एक बात तय है कि अभी जो कर्ज है वो खतरे की सीमा के ऊपर नहीं है, और जब खतरे की सीमा के ऊपर नहीं है तो हमें ये सावधानी रखना पड़ेगी कि हम इसको खतरे की सीमा के ऊपर नहीं जाने दें। और मध्य प्रदेश में तीन तरह से इस तरह से हम आय आमदनी वृद्धि करें कि हमें अब कर्जों की छतरी के नीचे नहीं आना पड़े। सबसे पहले बात तो ये कि मध्य प्रदेश की जो विकास दर है वो देश के विकसित प्रदेशों की तरह है, करीब 16% विकास दर, ये एक बड़ा मूल्यांकन है प्रदेश के विकास का। तो ऐसे में हम तीन बातें कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि कृषि की जो विकास दर है वो 19% है, और पूरे देश में और पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश की कृषि चमकते हुए दिखाई दे रही है। हम खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाएं और खाद्यान्न के निर्यात को और अधिक ऊंचे मापदंडों के ऊपर ले जाएं। हम औद्योगिक विकास करें, इस समय मध्य प्रदेश की विकास दर, औद्योगिक विकास दर 24% है, पूरा देश मध्य प्रदेश की तरफ देख रहा है, और अगले वर्ष 2025 को औद्योगिक वर्ष के रूप में सरकार ने घोषित किया है, तो निश्चित रूप से ऐसे उद्योगों का विकास हो जिनसे रोजगार बढ़े और आमदनी भी बढ़े। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, दुनिया के जो आर्थिक सर्वेक्षण आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत का मध्य प्रदेश पर्यटन प्रदेश बन सकता है, इस प्रदेश में वो सारी विशेषताएं हैं जिससे पर्यटन की आय बढ़े, और दुनिया के जो छोटे छोटे देश हैं, श्रीलंका है, दुबई है, और इस तरह के जो देश हैं जो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं,
वे मध्य प्रदेश में आ सकते हैं। ये मध्य प्रदेश की आमदनी बढ़ाई जानी चाहिए और खतरे बिल्कुल के जो मध्य प्रदेश का इतिहास है अपने आप में समृद्ध है, अलग अलग आयाम को समेटे हुए है कि अगर उसे सही तरीके से योजनाओं को बनाया जाए तो उसे एक्सप्लोर करने के लिए वाकई दुनिया भर के जो टूरिस्ट है वो उनकी लाइन लग जाएगी। बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर कही, तो हमने भी महसूस किया है जब मध्य प्रदेश के दौरे पर हम लोग निकले थे, वहाँ पर देखा था हमने, कवर किया था ग्राउंड पर। लेकिन संदीप जी, यहाँ पर वापस में उस सवाल में घूम कर आ जाती हूँ कि जिस तरह से सर ने जिक्र किया कि साउथ से इन फ्रीबीज की शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे अब नॉर्थ इंडिया की सियासत में भी इस फ्रीबीज की योजनाओं ने अपना जोर पकड़ लिया है। लेकिन बड़ी बात तो यह है ना कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो अब आरोप लगा लेते हैं, लेकिन किसी और राज्य में जहां आप सत्ता पक्ष में हैं या आने वाले हैं चुनाव के दौरान, तब भी आप भी ऐसे ही प्रलोभन देते हैं, आप भी ऐसी योजना देते हैं, तो अंकुश कैसे लगाया जाएगा? अपर्णा जी, चुनाव जीतने का एक आसान रास्ता मुफ्त की रेवड़ियां बन चुका है और राजनीतिक दलों को लगता है कि लुभावन वादे करके, सुविधाएं देके, सीधा पैसा देके, सीधे राशन देके लोगों का दिल जीता जा सकता है। अब देखिए, देश में 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि कल्याण के लिए आप अनाज दीजिए, लेकिन उसे सशक्त भी तो बनाइए। आप उसे प्रशिक्षण दीजिए, कौशल तौर पर बनाइए, रोजगार के अवसर दीजिए। अगर आप उस दिशा में प्रयास कम करते हैं, फ्रीवेज ज्यादा देते हैं, तो मुझे लगता है कि यह परंपरा बन गई है, साउथ से आई है, यह बात ठीक है, लेकिन हमारे यहां भी वो चीजें गहरी जमीन में जड़ें जमा चुकी हैं और कोई भी राजनीतिक दल ये साहस नहीं कर सकता है अपर्णा जी कि फ्री वीज पे वो अंकुश लगाने की बात भी करे, क्योंकि वो बात करेगा तो वोट नहीं मिलेंगे, वोट नहीं मिलेंगे तो सत्ता नहीं मिलेगी। राजनीतिक दलों का लक्ष्य अंत में सत्ता हासिल करना है, लिहाजा ये फ्री वीज मुझे लगता है कि आसानी से बंद नहीं होगी। ठीक है आशीष जी, अब बताइए, कांग्रेस का तो ये भी आरोप है कि उधार लेकर घी पीने का काम कर रही है सरकार, आपके मंत्रियों के बंगले बनने हैं, रेनोवेशन हो रहा है, कहीं ये तो नहीं कि जनता के नाम पर पैसों का इस्तेमाल वहां हो जाए? देखिए, अभी आपने एक मध्यप्रदेश सरकार की पहल सुनी होगी कि 1972 के समय से जो एक मध्यप्रदेश की सरकार मंत्रियों के आयकर का जो डिफरेंस होता था वो बढ़ती थी, उस नियम को मध्यप्रदेश की सरकार ने बदला है। चाहे बचत कम पैसे की हो, लेकिन शुरुआत हुई है और उन लोगों के साथ शुरुआत हुई है जो प्रदेश की सरकार के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो आगे आगे देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, हमारे वित्त मंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी मितव्ययता को लेकर भी अच्छा काम करेंगे, समाज के हर वर्गों में सुख और शांति हो, समृद्धि हो, कोई भी जनहितकारी योजना बंद नहीं हो, ठीक है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी उठाया, छोटा ही से लेकिन कदम उठाया। अब्बास, फाइनल कमेंट आप। ये मेरे मित्र आशीष शर्मा जी ने बड़ी अच्छी और खूबसूरती से ये बात कही, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आपको 4 करोड़ बचाने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, जिन मंत्रियों की गाड़ियां 2 साल पुरानी हैं, 10,000 किलोमीटर चली हुई हैं, उनके लिए 25 नई लग्जरी गाड़ियां खरीद रही हैं जो 25-25, 30-30 लाख की है। ये क्या सरकार की किस दिशाहीन तरीके से काम कर रही है जो समझ में नहीं आता। एक तरफ आप फजूल खर्ची को ऊपर कोई लगाम नहीं लगाते हैं, दूसरी तरफ आपने पीठ थपथपाते हैं कि हमने ये कदम उठा लिया। तो ये एक सिर्फ दिखावे की चीज है, लेकिन आज मध्य प्रदेश की चिंता करनी चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों को, कि कैसे हम इस कर्जे से बाहर आए और कैसे सहायता जनता की हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का मध्य प्रदेश की महा डिबेट में अपना समय देने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। और बात यहाँ पर सही है कि आवाम का ही सवाल है, क्योंकि आवाम खुद नहीं जानती कि वो सरकार के हिस्से की भी कर्जदार है। खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए।